two, three. Funk it. Good morning, guys. So this video is very important for all the people who are aiming for the August batch. अब ये video कैसे important है? Because this is the last batch that we are going to open for the August and the Feb batch for MACTN sponsorship. What are we gonna cover? This batch is for those who want to join BSc or DNS in the August batch जो sponsorship के लिए prepare कर रहे हैं, जो कि March onwards जिनके sponsorship के test and interview चालू होने वाले हैं. कैसे होगा ये सब? सबसे पहले आते हैं फॉर्म्स पे. व्हाट इज द प्रोसेस टू स्पॉन्सरशिप? सबसे फर्स्ट थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज फिलिंग द फॉर्म्स एट द राइट टाइम. अब फॉर्म्स जो होते हैं ऑगस्ट बैच के, जैसे तोलानी है उसका फॉर्म अभी चालू हो गया है, फ्लीट का फेब बैच का फॉर्म चालू हो चुका है. फेब्रवरी ऑनवर्ड्स जितने भी ऑगस्ट बैच की कंपनीज है, मोस्टली 70% के फॉर्म्स अपने फेब में ही चालू हो जाएंगे. अब इनके फॉर्म्स की डिटेल्स आपको कैसे मालूम पड़ेगी, कब कौन से फॉर्म का भरना है, कब नहीं भरना, दिस इज वेयर वी कम. बडिंग मरीनर्स का जो लास्ट बैच है ये वाला, इसमें वी आर टारगेटिंग टू गेट 100% स्टूडेंट्स क्लियर द स्पॉन्सरशिप. लास्ट बैच 13 के जितने भी स्पॉन्सरशिप के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे, 97% बच्चों ने क्लियर कर लिया है स्पॉन्सरशिप एंड ओनली 3% आर रिमेनिंग. ओके, सो दिस इज वॉट वी डू एट बडिंग मरीनर्स. अब सबसे पहली चीज है फॉर्म्स. फॉर्म्स टाइम पे भरना बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर्म्स की डिटेल्स आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सीवी कैसे बनाते हैं ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हम कैसे हेल्प करते हैं? जैसे ही फॉर्म्स रिलीज होते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट्स वी गिव यू अबाउट द फॉर्म की डिटेल्स, कब कौन से फॉर्म को भरना है, कब नहीं भरना, कब कैसे भरना है, क्या डिटेल्स डालनी है, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है, क्या हॉबीज रिक्वायर्ड है. बडिंग मरीनर्स का लास्ट बैच 31 दिसंबर से चालू हो रहा है, जो कि 1.5 महीना चलेगा, जिसमें आपकी स्पॉन्सरशिप की डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपको दी जाएंगी. इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा, मॉक टेस्ट होगा, मॉक इंटरव्यूज होगी, कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एप्टीट्यूड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी. एक इंग्लिश के लिए स्पेशल मेंटर है जो कि आपको सब कुछ प्रिपेयर करवाएगा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, फ्रॉम IMECET इन इंग्लिश टू कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, ईच एंड एवरीथिंग विल बी लुक्ड आफ्टर. जब भी आप एक मॉक इंटरव्यू में जाते हो तो आपको हमेशा 3 से 4 जनों का पैनल दिखता है. वन पर्सन विल ऑलवेज बी फ्रॉम द HR हु विल जस्ट नोटिस यू. तो वी ऑल्सो हैव दैट टाइप ऑफ अ पर्सन जो कि आपको सिर्फ नोटिस करेगा एंड आपको रिमार्क्स देता है, एंड दैट रिमार्क्स विल बी अकॉर्डिंग टू योर ईच सब्जेक्ट आपको एनालाइज करता है, एंड दैट विल बी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. यू विल हैव अ पर्सनलाइज्ड मेंटर जो कि स्पॉन्सर्ड खुद है लास्ट 1 to 2 years से, और जो कि खुद अपनी ट्रेनिंग एक वेरी गुड इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं. सेकेंड चीज आते हैं स्पॉन्सरशिप के टेस्ट पे. अब स्पॉन्सरशिप की टेस्ट को क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रेट ईस्टर्न हो, एंग्लो ईस्टर्न हो, फ्लीट हो, स्कॉर्पियो हो, टॉम हो, सबका टेस्ट एक अलग तरीके का होता है. टॉम पे आते हैं, 12 मिनट में 50 क्वेश्चंस होते हैं मेंटल एप्टीट्यूड के. PILI टेस्ट होता है. PILI टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब 12 मिनट में 50 क्वेश्चन में आपको 35 to 40 सही करना बहुत जरूरी है. एंग्लो ईस्टर्न के टेस्ट पे आते हैं, 200 मार्क्स का टेस्ट होता है, MSC का 80 मार्क्स का. तो अब जैसे ये सब चीजें हैं, इन सब में सॉरी फ्लीट का 80 मार्क्स का, तो हर टेस्ट में ना अलग अलग चीजें आती है. ग्रेट ईस्टर्न की डिफिकल्टी लेवल इज वेरी गुड, एंग्लो ईस्टर्न की थोड़ी कम. अब अपने पास क्या, जो भी 12th में बच्चे हैं उनको लगता है कि सिर्फ PCM पढ़ के काम हो जाएगा, बट नो, यू नीड टू हैव गुड स्किल्स ऑफ इंग्लिश प्लस एप्टीट्यूड. हर कंपनी अपना अलग अलग चीज पूछती है, तो फॉर यू टू क्लियर ऑल दो स्पॉन्सरशिप टेस्ट यू नीड टू नो व्हाट इज कमिंग इन द टेस्ट. आपको पता होना चाहिए किन चीजों को आपको टारगेट करना है, किन चीजों को नहीं करना है. आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक्स आपको कवर करना है. यू नीड टू हैव स्पेशलाइज्ड टेस्ट जो कि आप देते रहो, जिनसे आपकी स्पॉन्सरशिप इजिली क्लियर हो जाए. अब टेस्ट पे आपको हमने करवा दिया क्लियर, 20 बच्चे इस बार ग्रेट ईस्टर्न के टेस्ट में जिनने अपियर किया था, 19 ऑफ देम हैव ऑलरेडी फिल्ड अप द फॉर्म एंड गेव द फीस फॉर ग्रेट ईस्टर्न. 20 में से 19 बच्चे बडिंग मरीनर्स के ग्रेट ईस्टर्न में सिलेक्ट हो चुके हैं. 45 स्टूडेंट्स आर इन एंग्लो ईस्टर्न सिलेक्टेड, 26 इन MSC. ऐसे ही करके हर कंपनीज का यही स्टार्ट सर. कंपनीज गिनानी पड़ जाएंगी और वीडियो का लेंथ बढ़ा हो जाएगा. तो मैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटरव्यूज. अब इंटरव्यूज कैसे क्लियर करना है? इंटरव्यूज, द बेस्ट वे टू क्लियर इंटरव्यूज इज मॉक इंटरव्यूज. रोज रोज अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज टिल यू डोंट गेट स्पॉन्सरशिप इज द वे दैट बडिंग मरीनर्स आर सिलेक्टेड टू मेक यू क्लियर स्पॉन्सरशिप विद ईज. हर इंटरव्यू में अलग अलग चीजें पूछी जाती है, चाहे ग्रेट ईस्टर्न हो, एंग्लो हो, टॉम हो, स्कॉर्पियो हो, ऑल द बेस्ट कंपनीज जितने भी हैं, सबके इंटरव्यूज सही करने का एक बेस्ट तरीका है मॉक इंटरव्यूज. एंग्लो ईस्टर्न में पास्कल्स लॉ पूछा जाएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सब कुछ. अब ये सब एक टेक्निकल स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है, नॉन टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड है, PCM स्किल्स, ज्योग्राफी, जनरल एप्टीट्यूड, ईच एंड एवरीथिंग. यही सब आपको बडिंग मरीनर्स प्रोवाइड करते हैं, एंड दिस इज द लास्ट बैच जिसके सिर्फ 8 सीट्स आर रिमेनिंग.
सो टू ज्वाइन द बैच जस्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाना है. यू जस्ट नीड टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप. 28th को एक लास्ट डेमो क्लास होगी विच इज टुमारो. कल लास्ट डेमो क्लास है, उसके बाद बैच की सीट सारी फुल हो जाएंगी तो वी वॉन्ट टेक एनी मोर फॉर द कैंडिडेट्स. तो जिनको भी जल्दी से बैच ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो. व्हाट्सएप ग्रुप के बाद डेमो क्लास में आओ या उससे पहले, तब तक खत्म हो जाती है तो उससे पहले ही अपना पे द फी. 3000 इज द फी फॉर द बैच. तो जल्दी आ जाओ. आई विल मीट यू ऑल इन द डेमो क्लास. तो ये सब डिटेल्स है अपनी बडिंग मरीनर्स की, जिसको लास्ट बैच है फॉर द ऑगस्ट. दिस इज द लास्ट बैच फॉर द ऑगस्ट गाइज. इसके बाद कोई और बैच नहीं आने वाला जो कि आपको प्रिपेयर करेगा. ओके, आई विल मीट यू. थैंक यू. I love you, I love you, I love you.